आप सबसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, वो है पिनाटा सरप्राइज केक्स। तो इसके तो नाम में ही सरप्राइज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केक है। इसको सिर्फ चॉकलेट से बनाया जाता है। ये खाने में भी टेस्टी है और दिखने में भी ऑसम है। तो ये काफ़ी न्यू वैरायटी का केक है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। तो आप देर मत करिए, जल्दी से इसको बनाइए सरप्राइज और हैप्पी कर दीजिए अपने लवेबल्स को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में पानी उबालने के लिए रख दिया है। तो अब इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ एक ग्लास बॉल, जिसमें मैंने लिया है 250 ग्राम्स के करीब व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट चॉप किया हुआ। आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर आपने बॉल रखा है वो नीचे पानी से टच नहीं होना चाहिए, बस पानी का हीट जो होता है वो उसको टच होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इस चॉकलेट को पिघलाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसमें, इसको पूरी तरह से पिघलने में। तो अभी चॉकलेट का मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, बस 1 मिनट और हमें लगेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये चॉकलेट अभी पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। जो यहाँ पर दिख रहा है वो बस थोड़े से बबल्स है, चॉकलेट के चंक्स नहीं है। तो अभी मैं गैस ऑफ करके इस बॉल को बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है, इसको पिनाटा मोल्ड भी कहते हैं। ये बाहर मार्केट में नहीं तो ऑनलाइन मार्केट में तो ये डेफिनेटली मिल जाता है आसानी से। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है लेकिन इस शेप का कोई भी प्लास्टिक का बॉल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा मेल्टेड चॉकलेट जो है उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद उस चॉकलेट सॉस को थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और इसको पूरी तरह से फैला लेंगे, कुछ इस तरह से। जब ये पूरी तरह से फैल जाए तो हम इस मोल्ड को फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हमारा चॉकलेट जो है सॉलिड हो चुका है, लेकिन ये अभी उतना हार्ड नहीं है। तो इसके लिए हम और एक कोटिंग लगा देंगे चॉकलेट सिरप का। जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है या फिर पतला दिख रहा है ये, वहाँ पर अच्छे से इसको भर कर इवनली इसको लगाइएगा। इसका बीच का हिस्सा भी थोड़ा सा मोटा होना ज़रूरी है, वरना ये डीमोल्ड करते वक्त टूट सकता है। तो इसको बॉर्डर्स में और बीच में अच्छे से चॉकलेट सॉस को कोट कर देंगे। तो इस तरह से तैयार है पूरी तरह से। इसको हम फिर से रखेंगे फ्रिज में 10 मिनट तक। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। सो दूसरी बार चॉकलेट कोटिंग करने के बाद हमारा हेमिस्फीयर जो है अच्छे से थिक और सॉलिड हो चुका है। लेकिन इसको डीमोल्ड करते वक्त हमें इसको सबसे पहले एडजस्ट में इसको लूज करके लेना है। एडजस्ट में आप इसको इस तरह से अच्छे से लूजन अप कर लीजिए। उसके बाद इसको फ्लिप करके धीरे से ये मोल्ड हटा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा पहला हेमिस्फीयर जो है बनकर तैयार है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरा एक हेमिस्फीयर ऑलरेडी बना लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर चाहिए जिनको ज्वाइन करने से हमारा ये चॉकलेट बॉल जो है कम्प्लीट होगा। तो अभी हम इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ लेंगे, लेकिन इनको जोड़ने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें यहाँ पर करना है और वो है इसकी फिलिंग। तो इसके अंदर हमें बहुत सारे सरप्राइजेस भरने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है थोड़े से ये कलरफुल एडिबल पर्ल्स। ये देखिए कितने कलरफुल और कितने अट्रैक्टिव है ना। तो यहाँ पर मैं इसको डालने वाली हूँ, काफी क्यूट और कलरफुल पर्ल्स है ना ये। तो इसके साथ मैं रखने वाली हूँ कुछ चॉकलेट्स, और हमें थोड़ा खाली खाली लग रहा है यहाँ पर तो मैं इसको भरने वाली हूँ अभी ये गोल्डन पर्ल्स है। तो अब देखिए लग रहा है ना बहुत शानदार। तो अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगी। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पर हम जो चॉकलेट सॉस हमने पहले बना कर लिया था उसी सॉस से यहाँ पर इस बॉर्डर को मैं कोट कर दूंगी चारों तरफ। तो यहाँ पर एंडलेस ऑप्शंस है आपके पास। आप चाहे तो इसके अंदर छोटे छोटे केक्स क्रीम लगा कर रख सकते हो। अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं सरप्राइज गिफ्ट, जैसे कि 2-व्हीलर या 4-व्हीलर, तो उसकी चावी इसके अंदर रख सकते हो आप। कोई फोन गिफ्ट करना चाहते हो आप तो उस फोन को इसके अंदर रख सकते हो। और अपने फियांसे को सरप्राइज करना चाहते हो तो आप फिंगर रिंग भी इसके अंदर रख सकते हो बॉक्स, छोटे से बॉक्स में। तो इस तरह से एंडलेस ऑप्शन है आपके पास, आप जैसे चाहे इसको सरप्राइजेस से भर सकते हो। इसलिए इसको कहा जाता है पिनाटा सरप्राइज केक। तो फिलहाल हम यहाँ पर इन कैंडीज का ही यूज करने वाले हैं, और इसके ऊपर हमारा दूसरा वाला हेमिस्फीयर जो है उसको धीरे से लगा देंगे, इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से।
अब जहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर मैं थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट अभी लगा रही हूँ इसको, ताकि बाद में मैं इसके ऊपर लगा सकूँ ये सुंदर सा टेप इस तरह से। तो अभी हम इस केक को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इसको और प्रिटी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये छोटे वाले रेड हार्ट स्प्रिंकलर्स, इनको मैं अभी लगाऊंगी इस केक के ऊपर। तो इन हार्ट्स को यहाँ पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर टूथपिक के ऊपर थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट सॉस लिया है और इसको वहाँ लगाऊंगी जहाँ पर मुझे इन हार्ट्स को लगाना है, कुछ इस तरह से। तो इन डॉट्स के ऊपर आप लगा दीजिए हार्ट्स, तो अच्छे से ये चिपक जाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे केक के ऊपर मैं लगा दूंगी ये लिटिल हार्ट्स। तो अब ये दिखने में लग रहा है सुंदर। तो इस तरह से आप इस केक को सजा सकते हैं। इसको डेकोरेट करना तो ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी, आप चाहे तो करें या फिर ना करें, या फिर आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये केक कम्प्लीटली तैयार है। तो अब है फन पार्ट, और वो है हमें इस केक को अभी स्मैश कर देना है इस हैमर से। तो यूजुअली हम कट करते हैं केक्स को, लेकिन यहाँ पर हैमर से हम इसको स्मैश कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए खुल गया हमारा सरप्राइज। तो इस तरह से आप ये इंटरेस्टिंग सा केक बनाकर किसी को भी सरप्राइज कर सकते हो। तो अभी तो ये केक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो आप डेफिनेटली इसको बनाइए घर में और सरप्राइज करिए अपने लवेबल्स को और एंजॉय करिए। तो आई होप कि आपको आज का ये पिनाटा केक वाला वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा है। और प्लीज हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो।